हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समीत चौहान जुड़ रहे हैं। समीत हाय, गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैं निफ्टी पे कॉल लूं आपसे, सर क्विकली पहले तो ये बताएं डीएलएफ के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, डीएलएफ एक मीडियम टर्म कंसोलिडेशन फेज में है। इसकी रेंज काफी बढ़ चुकी है, अभी 135 से लेके 95-90 एक ब्रॉड रेंज बन चुकी है। ये पूरा सेक्टर एक हाई बीटा सेक्टर माना जाता है, जिसमें डीएलएफ में भी हम हाई बीटा माना जाता है। तो अगर विद मार्केट डायरेक्शन जब भी फॉल आता है मार्केट में, तो ये स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखा है, तो वही हमने रिसेंटली भी देखा हुआ है। तो फिलहाल इसमें कोई ऐसे सब्सटेंशियल मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। 120 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो इसमें हम एक थोड़ी तेजी दे सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल एक रेंज में है, तो जब तक 120 क्रॉस नहीं होता हम इसमें बाइंग की सलाह नहीं देंगे। ओके, तो अभी खरीदारी ना करें, जब तक 120 के लेवल्स क्रॉस नहीं होते तब तक शायद चार्ट्स पे कन्विक्शन नहीं आ रहा है। समित, लेकिन आज जैसे मैं हाईलाइट भी कर रहा था, ऑयल एंड गैस स्पेस फोकस में है, कई सारी कंपनी छोटी बड़ी स्पेस की तगड़ा मूव दिखा रही हैं। सरकार की जो पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की जो बात करी गई है, या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को आसान शब्दों में कहना चाहिए जो बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है, उसका भरपूर फायदा इन स्टॉक्स को मिल रहा है। जिंदल ड्रिलिंग, एचओईसी, सेल एंड एक्सप्लोरेशन, ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है। इनमें से किसी के चार्ट्स आपने देखे हो, इनमें से कोई आप ट्रैक करते हो, या फिर ऑयल एंड गैस स्पेस इन जनरल कोई स्टॉक? देखिए, ज्यादा क्लोजली ये स्टॉक ट्रैक नहीं करते, बट आपने जो भी स्टॉक्स की बात की, जैसे जिंदल ड्रिलिंग है, सेलोन एक्सप्लोरेशन है, ये सब स्टॉक अगर हम इनकी रीसेंट मूवमेंट देखें तो ये अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं इनके हाई लेवल से। तो फिलहाल तो अगर टेक्निकली भी बोला जाए तो ये एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे, तो वहां से एक टेक्निकल बाउंस की भी एक्सपेक्टेशंस थी। तो मेरे ख्याल से ये जो मूव है फिलहाल, तो ये इंटरप्रेट की जाएगी कि ये टेक्निकल बाउंस है। इसमें से अगर मैं सेलान एक्सप्लोरेशन का बात करूं तो इसमें यस, आज एक अच्छा खासा मूवमेंट आया विद स्ट्रॉन्गर वॉल्यूम, ये मूवमेंट और कंटिन्यू हो सकती है, बट फिलहाल 150-152 का इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है इसमें हम अच्छे खासे ऊपर के लेवल नहीं देख पाएंगे, ऊपर 150-152 एक हर्डल बन जाएगा। 250-252 मेरे ख्याल से समीत, बड़ा तगड़ा बिल्डअप था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट उस लिहाज से तो वो लेवल है। इस समय हम उसी के आसपास इर्द गिर्द कामकाज कर रहे हैं, कुछ क्लियर सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं निफ्टी पे? सर देखिए, फिलहाल हमारा अगर निफ्टी का एक व्यू देखा जाए तो विद अ ब्रॉडर व्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और थोड़ी मंदी आ सकती है, थोड़े डाउनसाइड लेवल्स यहां से भी हो सकते हैं। लास्ट फ्राइडे हमने एक सेल रिकमेंडेशन दिया होता अराउंड 8050-8070, बट आज अराउंड 7790 हमने वो क्लोज किया हुआ शॉर्ट का रिकमेंडेशन। एक सपोर्ट दिख रहा है 7750 का, एक नियर टर्म सपोर्ट हो सकता है, और अगर हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स देखें तो वो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में, तो यहाँ से एक बाउंस की पॉसिबिलिटी है। अगर इंट्राडे के लिहाज से देखें तो 7820 का एक रेजिस्टेंस है निफ्टी को, जैसे ये मोमेंट क्रॉस होता है मोमेंटम ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडर्स उसके ऊपर एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं 7860-7890 के बाउंस के लिए, बट अगर डायरेक्शनली देखें तो हमारा व्यू नेगेटिव ही होगा मार्केट। ओके, डायरेक्शनली नेगेटिव है, दबाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन 787 के आसपास के लेवल्स पे हम इस समय कामकाज करें। 7820 के अगर ऊपर जाता है तो शायद आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, और इवेंचुअली फिर 7860 और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 7890 तक के लेवल्स के लिए आप अप्रोच करें, लेकिन ब्रेस अप आपको डाउनसाइड के लिए तैयार रहना चाहिए, शायद बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिलेगा। समीत की बातों से तो यही लग रहा है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी तमाम बजिंग स्टॉक्स यानी कि जो स्टॉक्स आज हरकत में उन पे बातचीत जारी रखेंगे और समीत से उन पे कॉल लेंगे, और साथ साथ दिग्गज ब्रोकरेजेस कहां पे नजर बनाई हुई है या उनका क्या कहना है ये भी रहेगा फोकस में। कई मित्रों ने उसको समझ के आज की स्ट्राइक से भारी रहे, लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं अभी देश के कामकाज स्वाभाविक है, नियंत्रित है। लेकिन सर, उन लोग की डिमांड ये है कि मिनिमम वेजेस जो सरकार का कहना है कि केवल 400-700 रुपए किराया जोड़ती है, ऐसे में दिल्ली में अगर कोई आदमी रहता है तो 700 रुपए किराया देकर कैसे रह सकता है, जबकि 15,000 की उनकी डिमांड है और 7200 रुपए देने की बात की गई है। ऐसे 72 रुपया आपके मन की काल्पनिक बात है, 72 रुपया की कोई सरकार की योजना नहीं है। ₹72 की कोई कल्पना नहीं है, 7200 रुपया की कोई ये काल्पनिक बात है आपकी, ऐसा कोई पेपर सरकार के पास नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था ब्रीफिंग में, इट विल बी फॉर्मूला ड्रिवेन, ये एक फॉर्मूला के आधार पे होगा, इसको आंख में परिवर्तित किया जाएगा, सारे श्रमिक संघ
क्षेत्र में लगाया जाएगा, देश भर में लगाया जाएगा। इसमें इस नीति सरकार की इस नीति को देश की मजदूरों ने सहमति दिया है, भारी प्रशंसा हमको उसमें से मिली है। इसीलिए आज लेबर यूनियन के अंदर जो स्ट्राइक कुछ मित्रों ने नासमझी के कारण दिया है, इसीलिए उनको सफलता हाथ नहीं आ रही है। हमने नई सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे एक स्पष्ट नीति हम लोगों ने मजदूर संगठनों के सामने रखा है। हम कोई भी विषय जो हमारे ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म है, हमने जो चर्चा शुरू किया है उनसे चर्चा राय मशुरा करके हम जल्द ही उसको कानून के रूप में ले आएंगे। जब आप स्वाभाविक वर्ड का यूज कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बहुत ज्यादा असर नहीं। देखिए निश्चित रूप में उसका ही अर्थ, आप देखिए आप ही के टीवी चैनल भी जगह जगह देश की स्थान स्थान के चित्र दिखा रहा है, और मैं मानता हूं जो उनके मूल विषय था मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी, बोनस और लेबर लॉज और ट्राइपार्टाइट डिस्कशन, पांचों के बारे में सरकार ने बड़ा स्पष्टता के साथ उनकी सारे बातों को, उनकी सारे सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए अपना मत बताया। सबने, मैं जब कह रहा हूं सबने उस विषय को मन से लिया है, बाकी उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरी वो करेंगे। चलिए थे धर्मेंद्र प्रधान जी, पेट्रोलियम मंत्री, जो आज की कैबिनेट मीट के आउटकम पे बातचीत करते हुए, ऑयल एंड गैस स्पेस की तो हमने बातचीत करी, हाईलाइट किया क्या निकल के आया। साथ साथ ध्यान रखें केंद्रीय कर्मचारियों का जो 6% डीए बढ़ाने का प्रस्ताव था उस फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन भारतीय बाजारों पर सीएलएसए ने रिपोर्ट जारी की है। सीएलएसए ने FY17 में कंपनियों के मुनाफे का अनुमान और सेंसेक्स का लक्ष्य घटा दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नियति। नियति हाय, बताइए क्या है सीएलएसए की रिपोर्ट की हाइलाइट्स? जी हाँ, बावजूद इसके कि कमोडिटी की कीमतें लगातार घट रही है जिसका फायदा हमारे ट्विन डेफिसिट्स को कम करने में होगा, साथ साथ में महंगाई दर अभी फिलहाल कंट्रोल में है, बावजूद इसके सीएलएसए का मानना है कि जिस तरह से ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है, अनिश्चितता बढ़ती चली जा रही है, अब भारतीय बाजारों में जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो अब पुशअप हो जाएगी और FY18 में होती हुई इनको नजर आएगी। और ये एक रीजन है कि सेंसेक्स का लक्ष्य तो घटा ही रहे हैं FY16 के लिए, और साथ साथ में जितने भी ईपीएस अनुमान यानी अर्निंग्स एस्टिमेट है वो भी इन्होंने FY16 और 17 के लिए घटा दी हैं। दिसंबर 2016 तक के लिए सेंसेक्स का लक्ष्य 6% घटा के 30,000 तक का करें, और साथ साथ में FY17 और 16 के लिए जो ईपीएस अनुमान है वो 8% और 4% इन्होंने घटा दिए हैं। ऐसे में लिमिटेड डाउनसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं पेंट्स, स्टेपल्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पीएसयू पावर यूटिलिटीज, आईआरबी और अपोलो हॉस्पिटल जैसे सेक्टर्स और शेयरों में, मगर क्लियर कट बेनिफिशियरीज होंगे यहां पे आईटी और फार्मा सेक्टर जिनके यहां पर अनुमान बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं 5-8% के आसपास, मगर मेटल और ऑयल, सीमेंट, पीएसयू बैंक, प्रॉपर्टी और जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है यहां पे ईपीएस अनुमान घटा सकते हैं 20-80% तक के ईपीएस अनुमान ये घटाने की बात कर रहे हैं। फिलहाल इनके जो टॉपिक्स में जो शामिल है उनमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जी, भारती एयरटेल, मारुति सन फार्मा, पावर ग्रिड और पीवी शामिल हैं। ओके, तो चलिए आईटी और फार्मास्यूटिकल वो पैकेज पे आप नजर बना के रखें जो बाकी टॉपिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर हाइलाइटेड है। समीत क्विकली, आज जो स्टॉक्स इंटरेस्टिंग है उसमें डिशमन 12% का उछाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, एडीजी ग्रुप कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल 3-5% की तेजी। इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल स्पेस में इमामी और गोदरेज कंज्यूमर 3-4% मजबूत है। आईटी में खरीदारी है TCS, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और इनफैक्ट आईटी की एक नई कंपनी जो डिमर्ज होकर आई थी मजिस्को, 7.5% उछाल दिखा रही है। 265-280 के मान लीजिए डिशमन फार्मा, तो जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो डेफिनेटली बने रह सकते हैं, इसमें ऊपर के लेवल और भी मिल सकते हैं। ज्यादा बात नहीं हो पाई लेकिन धन्यवाद आपका सीएमबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कमोडिटीज अपडेट।